एक जंगल में चार गाय रहती थीं। चारों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और चीता और शेर हमेशा उन्हें खाना चाहते थे। लेकिन जब भी चीता या शेर मुकाबला करने के लिए जाते, उन्हें खाने के लिए जाते, तो वो उन्हें डराकर भगा देती। शेर एक बहुत ताकतवर जानवर है, लेकिन गाय के इत्तेफाक के सामने उसकी ताकत बिल्कुल सिफर हो जाती है। चारों गाय आपस में मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और बिना कहे एक दूसरे की मदद करती हैं। एक दिन चारों आपस में बातें कर रही थी कि न जाने किस बात पर बहस हुई कि वो एक दूसरे से नाराज हो गईं और अपने अपने रास्ते जाने लगीं और कहने लगीं कि अब हम मजीद एक साथ नहीं रह सकते, अब हम अलग अलग ही रहेंगे। ये खबर शेर तक पहुंच गई और शेर ने चीते को भी बताया और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। इनके इत्तेफाक से वो वैसे भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जब चारों एक साथ होती थी तो वो उन्हें नहीं पकड़ सकते थे। जब भी पकड़ने के लिए जाते थे तो वो इन्हें डरा कर भगा देती थी, क्योंकि एक ही वक्त में चारों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि चारों जब अलग अलग घास चरने जा रही होंगी तो तब हम इन पर हमला करेंगे, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। चारों गाय जब अलग अलग घास चरने के लिए जाने लगी तो शेर ने सबसे पहले एक गाय पर हमला किया और उसने और चीते ने मिलकर उसे खा लिया। उसके बाद दूसरी, तीसरी और फिर चौथी, इस तरह करके शेर और चीते ने चारों को खा लिया। तो जब तक उनमें इत्तेफाक था तो शेर उनसे डरता था, और जैसे ही इत्तेफाक खत्म हुआ तो शेर और चीते ने उन्हें खा लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी एक साथ सबका मुकाबला नहीं कर सकता, वो हमेशा सबको अलग करके ही मुकाबला करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।